किशोरी की हत्या की गई थी उसके घर में, आज उसका खुलासा हुआ है, क्या है ये पूरा मामला? थाना कोतवाली देहात के गांव गदनपुर है, गदनपुर में एक नाबालिग जो है बालिका की हत्या कर दी गई थी, जो कि एकदम ब्लाइंड केस था, जिसपे हमारी पूरी डिटेक्शन टीम, सर्विलांस टीम और कोतवाली की टीम और इंटेलिजेंस की टीम लगातार सक्रिय रही और तमाम तरीके के टेक्निकल एविडेंस इकट्ठे करने के बाद ये चीज़ निकल करके आई कि जिस समय घटना घटी, घटना की पूर्व, बरवक्त घटना और घटना के बाद इस व्यक्ति की लोकेशन पाई गई और इसे ट्रेस कराया गया और जिसका नाम जो है जावेंद्र गुड्डू है, जो पड़ोस का ही है, और इसके भी संबंध में जब होता इसकी शादी अभी मुश्किल से 7-8 महीने पहले हुई, इसकी पत्नी भी छोड़कर चली गई, इसकी पत्नी से भी हम लोगों ने पूछा तो उसने भी बताया कि इसने 2 बार मेरा गला दबाने का प्रयास किया था, एक बार तो इस तरीके गला दबाया था कि मैं 10 मिनट तक बेहोश था। इसकी जो है सामान्य जीवन परिचर्या में भी इस तरीके की प्रवृत्ति रही है और फिर इससे पूछताछ के बाद अंत में जो है ये बात जो है कबूल की और साथ ही साथ जो है इसी अभियुक्त की निशानदेही पे जो है आला कर्तव्य जो कि एक लिखित कैंची है, कैंची को भी मगर पुलिस में ही झाड़ियों में जो है बरामद कर लिया गया है और इस तरीके से लगभग 15 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद जो है अभियुक्त जो है हत्या की वजह क्या रही थी? हत्या की वजह देखिए, यह व्यक्ति जो है एक तो पूर्ण फिल्में देखने का आदि है, जो उसके मोबाइल इसके पहले भी जब आया था तब भी पूर्ण फिल्म, आज के लगभग 4 या 5 तारीख को आया था, चला गया था नोएडा में रहता है, फिर ठीक और 4-5 तारीख को जब आया था तो ये इसके घर जो है गया था, क्योंकि इसकी माँ इसकी भाभी कहकर बांधता था, भाभी को निकल के चला गया था। 13 तारीख को ये रात में जो है आया है और 14 तारीख को इसे पूरा पता था कि किस समय ये लड़की रहती है अकेले में, और इसके चूँकि इसका पिता गुड़गांव में नौकरी करता है, माँ जो है ANM है, वो चली जाती है ड्यूटी पे, लड़की अकेली रहती है, और इसे ये चीज़ बखूबी मालूम था कि इस लड़की का किसी अन्य लड़के से अफेयर था, जिस बात का फायदा उठाने के लिए यह व्यक्ति अचानक वहाँ गया है और पहचान चुप पड़ोसी है, पहचान के दरवाज़ा खोला गया है, तख्त पर बैठा है, जोर ज़बरदस्ती भी की है और फिर उसके बाद जैसा कि पहले भी ये थे, सबसे पहले उसने दबा गला दबाने का प्रयास किया है, मैंने भी कंफ्यूजन आए हुए हैं, और उसके बाद जब फल नहीं हो सका तो ये देखा कि बगल में जो कैंची पड़ी हुई थी, कैंची से मार करके तो क्या जोर जबरदस्ती करने के बाद पहचान के भय से उसकी हत्या की गई? जोर जबरदस्ती करने के बाद निश्चित है पहचान के भय से हत्या की गई। दूसरी चीज़ जैसा कि इसकी मोडस ऑपरेंडी में है कि पहले भी इसकी पत्नी जब अपनी पत्नी का गला दबाया था तो वो बेहोश हो गई थी, इसमें भी जब ये गला दबा तो वो बेहोशी की हालत में चली गई, इसे ये मालूम हुआ कि ये मर चुकी है या जिंदा है,